सर गलतियां तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, कुछ कई बार मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नियति भी कई बार काम करती है। यदि आप थोड़े बहुत कमियों के कारण रह रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इसका मतलब नियति भी नहीं। मेंस में हालांकि आप तो दोनों चरण में आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, प्रीलिम्स में ज्यादा लगाना है इस बार 17th वालों के लिए। मैं कहूँ सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो बेस तो कोर एरिया वही है, करेंट अफेयर्स, आईआर, थोड़ा सा पैटर्न है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं तो उसको तो एक साथ हम कंबाइंड रूप से प्रिपरेशन करते हैं। यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और कोई टॉपिक है, हम सपोज 1857 पढ़ रहे हैं, तो उसके जो भी हमारे मेन पॉइंट है हम उसको नोट्स में प्रिपेयर करते हैं, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी यदि हम साथ साथ वहीं पर कलेक्ट नए करते पैटर्न हैं। पर आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, तब आप सहज हो पाएंगे। किसी टॉपिक को इवन पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को शब्दों में पिरोया जाता है, आप उन शब्दों को हटा दीजिए। सरदार कुंवर सिंह ने किया, बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह लिखिए, काम खत्म। बाकी उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप राइट ग्रेजुएट मैप किया रहता है आपका, तो विजुअलाइजेशन होता है, चीजें मेमोराइज करने में आपके बहुत हेल्पफुल होती है। और एक हैबिट होनी चाहिए, अच्छा बात आपने किया, कि मैपिंग, फ्लो चार्ट या डायग्राम वगैरह आप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने में वो मदद करता है, और परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में उसके उपयोग करने की। इंटरव्यू के लिए मैं आस्था यस के साथ जुड़ा हुआ था। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं बीपीएससी टॉपर अक्षय सर, जिनका भी बीपीएससी में फाइनल रूप से चयन हो चुका है। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब थैंक चैनल यू पे। सर, तो थैंक यू। सर पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा, आप कहाँ से हैं? बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत से हूँ, ग्रेजुएशन मैंने बांका से ही की है इतिहास विषय में, और उसके बाद सिविल सेवा में जो है बिहार बीपीएससी के लिए हिंदी साहित्य हमारा पास आ रहा है, ऑप्शनल रहा है। तो सर ये आपकी बीपीएससी की जर्नी थी, कब से स्टार्ट हुई थी और ये आपका कौन सा सेटअप था? सर 2014-15 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से गंभीर रूप से यूपीएससी और सिविल सेवा के लिए ही समर्पित रहे हैं। बीपीएससी में हमारा 5वां अटेम्प्ट था, और इस अटेम्प्ट में ईश्वर की कृपा से सफलता मिली अंतिम। तो आप कह सकते हैं आपकी बीपीएससी जो जर्नी थी काफी लंबे टाइम से चल जी रही थी, सर, बिल्कुल तो इसके साथ लंबी साथ रही। के यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट दिया हो? जी सर, यूपीएससी का भी हमने मुख्य परीक्षा दिया है, लेकिन चयन किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया है, लेकिन उसको भी मैं अभी प्रयास हमारे बचे हुए तो मैं प्रयास जरूर करता हूँ। बीपीएससी में आपका अच्छा खासा अनुभव भी होगा, तो क्या ऐसे गलतियां थी पिछली बार की जो अब की बार नहीं दोहराई आपने? सर गलतियां तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, कुछ कई बार मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नियति भी कई बार काम करती है। यदि आप थोड़े बहुत कमियों के कारण रह रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इसका मतलब नियति भी नहीं चाह रही थी उस समय। जैसे कि 66वीं में ही दोनों अंकों से मुख्य परीक्षा नहीं होना, 63वीं में 3 अंकों से मुख्य परीक्षा नहीं होना, तो ये नियति कह सकते हैं उसको, मतलब दो तीन नंबर का और अंतर रहा है। ये मार्जिन रहा है, और इतना ज्यादा गैप कभी नहीं रहा है, तो ये भरोसा मुझे था कि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि उतने पास तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, तो किसी न किसी बार जब नियति और सारे नक्षत्र एक साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। एक एस्पिरेंट से एक अफसर बनने तक का उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस आपने किए, क्या क्या प्रॉब्लम आई, और कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार ये मैं गलती से इस फील्ड में आ गया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था? सर जब इतने संघर्ष इतना लंबा हो तो कई बार ऐसे क्षण आएंगे, और मैं कहूंगा रोज आएंगे, रोज आप डिमोटिवेट होंगे, रोज मोटिवेट होंगे, ऐसे पल आएंगे आपको कि लगेगा नहीं, इस कार्य के लिए मैं बना ही नहीं, खुद पर भी डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा, लेकिन अगले ही क्षण वो जो मोटिवेशन होता है, आपकी माता जी, पिताजी, जिन्होंने आपके लिए बचपन से लेकर अभी तक लगातार प्रयास किए हैं, वो संघर्ष करते हैं आपके लिए, तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है कि हमें करना ही है। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो कई सारी समस्याएं आती है लंबे अरसे से, आप घर से बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, संसाधन आपका खर्च होता है, समय जाता है, तो इस फेज में जो चुनौतियां सारे बच्चों को आते हैं, बिहार के मिडिल क्लास के स्टूडेंट को, वो सबको फेस करना होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारी माता जी रही हैं, जिनके संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष कुछ नहीं है। मैं कहूँगा भावुक क्षण हो जाता है ऐसा, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी माता जी। तो कैसे बैलेंस किया आप, साथ साथ यूपीएससी भी दे रहे थे और बीपीएससी भी दे रहे, तो बैलेंस कैसे बनाया आप? सर दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो बेस तो कोर एरिया वही है, करेंट अफेयर्स, आईआर, थोड़ा सा पैटर्न है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं तो उसको आस्था यस के मॉक टेस्ट सीरीज से, प्रीलिम्स के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, 63rd में, 64th में, 66 में, इस बार 67th में भी, और भी कई सारे संस्थानों के मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपकी कमियां क्या है, उसको सुधार करने में मदद मिलती है।
आप कोचिंग के नोट्स कितना प्रेफर किया, मतलब कोचिंग के नोट्स के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक? कोचिंग के नोट्स से सर जब बिगिनिंग हम करते हैं प्रिपरेशन की, तो हमें एक सही दिशा मिलता है, मार्गदर्शन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग के नोट्स जरूरी होते हैं, क्योंकि पुस्तकों में तो ज्ञान का भंडार है और पुस्तकों की भाषा में परीक्षा में लिखना नहीं, इसके लिए ही शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, और गुरु का महत्व तो आप लोगों को सबको पता है, वो आपको मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलना है आपको और सफलता मिलती है। साथ ही यहाँ बात करें बीपीएससी के आपके स्ट्रेटजी को लेकर, तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी और मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी? प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन की बात करें तो एक साथ हम कंबाइंड रूप से प्रिपरेशन करते हैं। यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और कोई टॉपिक है हम सपोज 1857 पढ़ रहे हैं, तो उसके जो भी हमारे मेन पॉइंट है हम उसको नोट्स में प्रिपेयर करते हैं, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी यदि हम साथ साथ वहीं पर कलेक्ट करते हैं तो दोनों प्रिपरेशन होती है। मैपिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है अपने नोट्स में? सर मैपिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यदि मैप किया रहता है आपका तो विजुअलाइजेशन होता है, चीज़ें मेमोराइज करने में आपके बहुत हेल्पफुल होती है, और एक हैबिट होनी चाहिए। अच्छा बात आपने किया कि मैपिंग, फ्लो चार्ट या डायग्राम वगैरह आप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने में वो मदद करता है, और परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में उसके उपयोग करने की हैबिट बनेगी, जिससे कि आपको कम शब्दों में अधिक बातों को रखने में मदद मिलेगा, जिससे सफलता की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी नहीं जानते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए और लॉन्ग से शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक बार आप बताएं। सर देखिए, कुछ भी हम यदि उस विषय को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को इवन पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शब्दों में पिरोया जाता है, आप उन शब्दों को हटा दीजिए, शब्द तो आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उस भाग को लिखे, पूरा सेंटेंस नहीं उतारना है बुक से। जैसे हम 1857 की क्रांति में पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने या बिहार में नेतृत्व प्रदान किया, तो इसको तो आपको पता है कि बिहार में नेतृत्व प्रदान कुंवर सिंह ने किया, बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह लिखिए, काम खत्म, बाकी उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नोट शॉर्ट हो जाते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हैं, बिहार में कौन कौन से प्रमुख नेता है, लाइन बनाया, चार लाइन नीचे किया, उसके नीचे हमने लिख दिया स्थान, वहां पर जुड़े हुए नेता, एक फ्लो चार्ट में पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इससे आपको मदद मिलती है। बात करें अब मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो हिंदी के पेपर को आपने कैसे कवर किया, देन फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री वगैरह, और सेकंड पेपर को कैसे कवर किया? सर सामान्य हिंदी तो चूंकि ऑप्शनल भी हमारा हिंदी भाषा और साहित्य है, तो उसमें तो कुछ अलग से करना नहीं है। फर्स्ट पेपर में स्टैटिक्स वाला जो एरिया है वो बचपन से मैथ और साइंस को लेकर सहज रहा है, और तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती नहीं है। करंट अफेयर्स को लेकर रेगुलर करंट, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, न्यूज़पेपर जब पढ़ें तो नोट्स ज़रूर बनाएं, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स यदि आप प्रिपेयर करते चलते हैं, तो मैं कहूँगा बीपीएससी यूपीएससी किसी भी स्तर पर करंट अफेयर्स को लेकर आपको परेशानी नहीं होगी। प्रीलिम्स प्लस मेंस में मुख्य टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है? प्रीलिम्स से ज़्यादा मैं कहूँगा मेंस में, हालांकि आप तो दोनों चरण में आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, प्रीलिम्स में ज़्यादा लगाना है इस बार 70th वालों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि नए पैटर्न पर आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, तब आप सहज हो पाएंगे। बहुत सारे, चूँकि मैं गाइड भी करता हूँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो कि काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पहले मेंस दिया है, वो भी इस बार नए पैटर्न को देख कर घबरा गए। यदि आप उसके साथ सहज हो जाए पहले ही एग्जाम जाने से पहले, तो वहाँ पर आप आसानी से सहज रूप से उत्तर कर पाएंगे, और फिर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन जरूर रहता है यदि आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को, आप क्वालिफाई कर सकते। आपका जो बीपीएससी इंटरव्यू था मैन पैनल वाला, वो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ? सर मॉक इंटरव्यू का, मैं इंटरव्यू पैनल की बात करूँ तो 16 को मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था महानंदा बोर्ड में, और सबसे लास्ट कैंडिडेट था उस बोर्ड में मैं, जो कि लगभग 1:15-1:32 तक 16-17 मिनट तक इंटरव्यू चला था, और उस 16-17 मिनट में मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा, इतना सहज वो वातावरण था, और बिल्कुल ऐसे प्रश्न थे जिन्हें जैसे कि अपेक्षा हमने की थी, जैसा मैंने सोचा था कि ये सारे सवाल पूछे जाएं, जो एरिया है यहाँ से हमसे सवाल पूछे जाए तो फिर मैं कुछ जवाब दे पाऊँ, उस सवाल के जवाब नहीं भी दिए हमने, लेकिन काफ़ी सहज रहा और काफ़ी मज़ेदार तरीके से वो 16-17 मिनट हमारा गुजरा। तो आपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और कहाँ से की?
मॉक इंटरव्यू के लिए मैं आस्था आईएएस के साथ जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा भी एक दो कोचिंग संस्थानों के साथ मैं जुड़ा हुआ था मॉक इंटरव्यू में। इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जाने से पहले 6 मॉक दिए हैं, 3 तो आस्था में ही दिया हमने, और भी जगहों पर दिया है। सबसे आखिरी मॉक इंटरव्यू हमने आस्था में दिया था 14 को पटना में। तो क्या डिफरेंट था उसमें और बोर्ड वाले? बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं था। आर कुमार सर की मैं बात करता हूँ, उनकी सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से प्रणाम और धन्यवाद। उन्होंने कहा था कि इसी तरह सहज रूप से आप जाकर इंटरव्यू दीजिए हंसते हुए और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैं बिल्कुल वही बात दिमाग में 15 को पूरा दिन भर चलाता रहा, 16 को जब तक गया नहीं। मैं जब इंटरव्यू कर रहा था तो काफ़ी सहज था, पूरा इंटरव्यू भी सहजता से हुआ और उसके बाद भी समापन भी काफ़ी सहजता से। तो लास्ट मैसेज न्यू कैंडिडेट के लिए आपका क्या रहना पड़ेगा, जो बीपीएससी 69 और 70 की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर मैसेज यही रहेगा कि आप छोटी मत बड़ी असफलताओं से घबराइए नहीं, कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन करेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलती। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो जो हम इस बातचीत में कवर नहीं कर पाए हो तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट कैंडिडेट से उसको आपका सवाल को जरूर रखा जाएगा। तब तक के लिए बाय।